हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल टुडे वी विल डिस्कस द ट्रांसलेशन स्टडीज़ टॉपिक नीडा एंड द साइंस ऑफ ट्रांसलेशन ये जी नीडा के वर्क को समझने के लिए ज़रूरी है फिर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आप अपने जहन में रखें फर्स्ट वन कि उनका जो साइंस ऑफ ट्रांसलेशन साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग मैथड था वो सारा का सारा बेस कर रहा था नॉम चोम्सकी का जो टी जी जी ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर उसकी बेस पर और जिसमें उन्होंने टैक्टिक जो स्ट्रक्चर था किसी भी सेंटेंस को उसके हवाले से एक्सप्लेन किया था सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था डीप स्ट्रक्चर के हवाले से सो so, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आगे उनके फर्दर जो उनकी सारी थेरी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेंगी सेकंड जो चीज़ उन्होंने अपने वर्क में इन्फ्लुएंस लिया था वो मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजीज थी मुख्तलिफ कन्सैप्ट थे थेटिकल जो कि सैमेंटिक्स उसने बोरो किए थे और प्रिगमेटिक्स जो ब्रांचेज़ हैं उधर से लिंग्विस्टिक की सो आप कह सकते हैं कि उनके पूरा जो वर्क था जब 1940 में जब वो अपना प्रैक्टिकल वर्क डेवलप कर रहे थे और जो बाइबल को ट्रांसलेशन कर रहे थे ऑर्गेनाइज कर रहे थे उस टाइम में सारा का सारा जो वर्क था नाइन्टीन के अंदर किस तरीके से ट्रांसलेशन की जाती है किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उस टाइम पर डेवलप किया गया और उसने जब अपना प्रैक्टिकल वर्क डेवलप किया तो एक तरह से वो एक आप कह सकते हैं एक ऐसी हेल्प आउट थी जो इनएक्सपीरियंस्ड ट्रांसलेटर थे इस फील्ड के अंदर उन, उन सबको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हुई फिर इसके बाद जो सेकंड चीज़ है अगर आप निजा की जो थेरी को अगर देखें तो उन्होंने Uh, जो थे टुक द कंक्रीट फॉर्म इन द टू मेजर वर्क्स इन 1960 के अंदर एक तो उनका वर्क था साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग ठीक है दूसरा जो वर्क था वो था थेरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन ये दो इम्पॉर्टेंट वर्क है ठीक है फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि उन्होंने जब ट्रांसलेशन कर रहे थे बाइबल को ठीक है ऑर्गेनाइज कर रहे थे इन्होंने एक तरह से ट्रांसलेशन मेथड को एक साइंटिफिक इरा के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया कैसे बाय द मींस ऑफ द लिंग्विस्टिक सेमेंटिक ब्रेगमेटिक कॉन्सेप्ट से नोम चोम्सकी के कॉन्सेप्ट से अब यहाँ पे मैं जबकि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नोम चोम्सकी की जो टी जी जी, जी जो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर था उसका बहुत ज़्यादा रोल था इस सारे जो थे उनकी थेरी के अंदर किस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं ठीक है वो सरफेस स्ट्रक्चर पे डीप स्ट्रक्चर पर, पर मुश्तमिल होते हैं और ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक तरह से उन्होंने बताया कि किस तरीके से नोम चोम्स की कहते हैं कि किस तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं आप सेंटेंस को जब आप कोई भी सेंटेंस को रीड आउट करेंगे उसको एनालाइज़ करेंगे ठीक है तो उन्हें आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली आपको इन सब सेंटेंसेस को रीड आउट करना पड़ेगा एनालाइज़ करना पड़ेगा कंक्लूड करना पड़ेगा अगर आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग को देखना है ठीक है ये अब ये नॉम चम्सकी का मॉडल मैंने शो करवाया कि इस तरीके से दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस कोई भी सेंटेंस जो सोर्स टेक्स होता है उसका एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है ठीक है एक डीप स्ट्रक्चर होता है सरफेस स्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं ऐसे वर्ड्स या लैंग्वेज फॉर्म हो आप जैसे कोई बोल रहे हैं कोई चीज़ ठीक है जैसे वर्ड्स हैं Uh, कोई भी लैंग्वेज है उसको आप स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं डीप स्ट्रक्चर में मुख्तु कॉन्सेप्ट आ जाते हैं आइडियाज आते हैं थाट्स आते हैं जिस पर पूरा जो सेंटेंस होता है वो बेस कर रहा होता है ठीक है तो आप कह सकते हैं कि डीप स्ट्रक्चर इज बेसिकली मीनिंग और जो सर्फा स्ट्रक्चर है यूज इन द कम्युनिकेशन क्योंकि हम लफ्जों को इस्तेमाल करके और लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने बात को कम्युनिकेट करते हैं फिर उन्होंने कहा कि जो कीफ फीचर ये नॉम चॉम्स की हम डिस्कस करें कि क्या क्या कॉन्सेप्ट थे जो कि नीडा ने अपने थेरी के अंदर इस्तेमाल किए उन्होंने फिर स्ट्रक्चर रूल्स के बारे में बात की कि सेंटेंसेस को जब एनालाइज़ करें तो उसमें फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स होते हैं फेज स्ट्रक्चर रूल में यहाँ मैंने फर्दर ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है किस तरीके से एक पूरा सेंटेंस सेंटेंस है और किस तरीके से नॉन वर्ब में उसे डिवाइड किया है वर्ब फ्रेज में डिवाइड किया और इसी तरह नाउन फ्रेज को फर्दर जो है सेग्रीगेट कर दिया है डिटर्मिन से और नाउन से जैसे सेंटेंस पूरा था द डॉग हक द माउस ठीक है आपने नाउन फ्रेज को अलग किया वर्ब फ्रेज को अलग किया इसी तरह वर्ब फ्रेज के लिए आप प्रापोजिशनल फ्रेज होती हैं ठीक है और वर्ब फ्रेज के अंदर वर से वर्ब फ्रेज निकाली डिटर्मिनर्स निकाल दिए और इसी तरीके से नाउन निकाली और बज दफ़ा प्रपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है एडजेक्टिवस भी हो सकते हैं है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि किस तरीके से आप किसी भी सेंटेंसिस को फ्रेज स्ट्रक्चर रूल या फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के थ्रू आप एनालाइज करते हैं ये रूल है नोम चोम की के सेकेंड जो उसने बात की ट्रांसफॉर्म बाई द ट्रांसफॉर्मेशनल रूल ये भी आप सामेटिक और प्रैगमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि बेसिकली आपको पता है कि Uh, कोई भी सेंटेंस आप लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रूल में आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जैसे एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है जैसे ही किल्स द स्नैक तो अ स्नै इज किल्ड बाय द हिम किल्ड बाय हिम तो इस तरीके से सम टाइम आप उसे डिलीशन का रूल इस्तेमाल कर लेते हैं इंसर्शन का रूल इस्तेमाल कर लेते हैं और इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी भी सेंटेंस को थर्ड वन वो एक बात करता है कि फाइनल स्ट्रक्चर भी होता है किसी भी सेंटेंस का फाइनल स्ट्रक्चर uh, के अंदर जो होता है विच एट्स सेल्फ इज़ अ सब्जेक्ट ठीक है और और आप कह सकते हैं कि इसमें जब स्ट्रक्चर की बात कर रही होते हैं तो आप वर्ड्स और लैंग्वेज के जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जब आप फाइनल uh, स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे होते हैं तो आप इसमें फोनोलॉजिकल और मॉरफामिक uh, जो रूल्स हैं उनको एड्रेस कर रहे होते हैं फोनोलॉजिकल uh, का आपको पता है कि uh, जब आप किसी भी वर्ड को लेते हो तो उसके अंदर क्या देख रहे होते हैं फोनैटिकली uh, उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कहाँ वॉल्स हैं कहाँ स्ट्रेस डालना है कहाँ सेलेबल है इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो इसी तरह मॉरफेमिक रूल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं फाइनल uh, जो स्ट्रक्चर के अंदर ठीक है और ये उसने एक तरह से बताया कि किस तरीके से आप मुख्तफ जैसे प्रीफिक्सिस का इस्तेमाल कर लेते हो समाइम और जो डेरीवेशनल रूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हो तो मुख्तलिफ रूल्स हैं इस्तेमाल कर जैसे कि वायरस है उसमें आप एंटी वायरस लगा के अब तो एंटी वायरस का इस्तेमाल करके एक ऐसा वर्ड बन बन जाता है इसी तरह डेरीवेशनल प्रीफिक्सिस और सफेक्स और इस किस्म के जो जितने भी रूल्स हैं रूट फाइंड आउट कर रहे होते हैं वर्ड्स को देख रहे होते हैं इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता होता है जैसे एक्वा कोई वर्ड है तो एक्वा का जो वर्ड है वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है दूसरी लैंग्वेज से आया तो हम इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं किस तरीके से चीज़ों हम सफिक्स uh, का इस्तेमाल करते हैं प्लूरस बना रहे होते हैं ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनको हम फाइनल सरफ्रास्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करते हैं चौथी चीज़ वो बात करता है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप को भी देखता है फिर वो कहता है कि जितनी भी ज़माने चाहे पंजाबी इंग्लिश है उर्दू है इन सब के अंदर कोई यूनिवर्सल रूल उसने डिफ़ाइन किया है कि कुछ यूनिवर्सल एक जैसे फीचर हर लैंग्वेज के अंदर एग्जस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू तो हिस्स मॉडल अब यहाँ पर फर्दर वो बात करेगा इसमें जो टी जी जी जो था, था ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक ग्रामर में वो बात कर रहा होता है कि कोई भी सेंटेंस होता है वो बेसिकली वो एक करनल सेंटेंसेस पर मुश्तमल होता है करनल सेंटेंसेस आते हैं बेसिक रूल्स होते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं किसी बिल्डअप कर रहे होते हैं और किस तरीके से फिर जब उसे कर्नल सेंटेंस uh, का इस्तेमाल किया जाता है तो कोई भी सेंटेंस एक फॉर्म डेवलप करता है किस फॉर्म में वो एक सरफेस स्ट्रक्चर की सूरत में वर्ड्स की सूरत में लैंग्वेज की सूरत में हमारे सामने आता है अब यहाँ पे वो कहता है कि जो नीडा था उस वो कहता है कि उसने नोम चमसी के मॉडल को अपने साइंस ऑफ ट्रांसलेशन में इस्तेमाल किया और क्योंकि उसने नोम चमशी के सारे कॉन्सेप्ट को करने सेंटेंसेस को फ्रेस स्ट्रक्चर रूल्स इन सब चीज़ों को क्यों किया बेसिकली वो लिंग्विस्टिक का इस्तेमाल करने का उसका ये फ़ायदा हुआ कि एक ट्रांसलेटर को इतनी लिबर्टी हासिल हो गई कि वो को कोई भी सोर्स टैक्स उसके सामने आता है ठीक है उसकी उसको एक टेक्निक एक आपसे एक, एक स्किल्ड दे देता है एक ट्रांसलेटर को कोई भी सोर्स टेक्स आता है तो वह कोड्स के अंदर एक लैंग्वेज होती है फॉर एग्जांपल हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं मुख्तल्फ़ कंट्रीज़ के तो उनका जो मैसेज होता है ना वो कोड्स की सूरत में होता है ठीक है वो एक क्लियर कट लैंग्वेज नहीं होती अब ले मैन उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उन कोड को ट्रांसलेट किया जाता है जैसे आजकल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा वो एक अमरीकी जो है जो थ्रेट है उसकी जो है इंटरवेंशन वगैरह को डिस्कस कर रहा है इमरान खान तो बेसिकली वो जो मैसेज था इट वाज इन द कोड्स फॉर्म सोर्स टेक्स जो था उसका वो था इन कोड्स जिसे डिसाइफर uh, किया जाता है जिसे uh, आप कह सकते हैं डी कोड किया जाता है एनालाइज किया जाता है इंटरप्रेट किया जाता है और फिर उसे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया जाता है और फिर उसके बाद ये ट्रांसलेट uh, को लिबर्टी देता है कि वो इनकोड कर दे टारगेट टेक्स को ठीक है टारगेट टेक्स को इनकोड करने जब वो टारगेट टेक्स्ट को इनकोड करने का मतलब ये होता है कि पहले तो सोर्स टेक्स से आपने वो कोर्ड्स की जो लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी के अंदर भी लैंग्वेज इस्तेमाल अल्फा ब्रो वो चार्ली इसके खास मीनिंग्स हैं आर्मी के लिए तो इनके जब उसको ट्रांसलेट कर देते हैं ले मैन के लिए एक मैसेज फॉर्म में आ जाती है तो नेक्स्ट जो होते इनकोड किया जाता है टारगेट टेक्स के इस मैसेज को उसके अकॉर्डिंगली ठीक है और मैसेज को कोड में कन्वर्ट किया जाता है सो so, ये वो चीज़ें थी जिसने हेल्प आउट किया यहाँ पे जो थ्री स्टेजेस जो है सिस्टम उसको मैं इसलिए डिस्कस करना चाहूँगी कि जो थ्री स्टेजेस सिस, सारा सिस्टम था उसने हेल्प आउट किया कि पहले आप सरफेस स्ट्रक्चर जो है कोई भी सोर्स मैसेज टेक्स का एक पूरा पैराग्राफ आपको कोई मिल जाता है पैराग्राफ को उससे रीड आउट करें रीड आउट करने के बाद आपको एक तरह से एनालाइज uh, किया जाता है उस सारे सरफा स्ट्रक्चर उसके वर्ड्स को उसकी लैंग्वेज को बार बार पढ़ा जाता है उसको मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है सरफेस स्ट्रक्चर को किस तरह एनालाइज किया जाता है उसके डीप स्ट्रक्चर को खोल के डीप स्ट्रक्चर ही तो हमें बता रहा होता है इसका आइडिया क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्या है थॉट क्या है इस, इस पूरे सेंटेंस को लिखने के पीछे और फिर उसको दे ट्रांसफर्ड इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस उसके बाद सरफेस स्ट्रक्चर को एनालाइज़ किया इसके थ्रू जो था डीप स्ट्रक्चर के और फिर इसे ट्रांसलेशन प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पे जब ट्रांसलेशन प्रोसेस में वो चला जाता है तो थर्ड वन स्टेज में उसे रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही होती है किसके थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग में आप दो चीज़ें इंपॉर्टेंट इस्तेमाल करते हैं एक सेमेंटिक का इस्तेमाल एक स्टाइलिस्टिक फीचर्स हैं उन दोनों का सेमेंटिक्स आपको पता है ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक होती है जिसमें वर्ड्स का रिलेशनशिप आपसी को आपसी रिलेशनशिप को देखा जा रहा होता है तो तीन फेजेज में पहले सरफेस स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता है डीप स्ट्रक्चर के थ्रू दूसरे में ट्रांसलेशन प्रोसेस में उसको ट्रांसफर्ड किया जाता है थर्ड में रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही होती है सो सेमेंटिकली और स्टाइलिस्टिकल वे से सो uh, so, uh, जो कर सेंटेंसेज हैं आर द बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ विच द लैंग्वेज बिल्ड एंड एलेबरेट सल्फर स्ट्रक्चर ये इस वजह से इसको थोड़ा सा मैंने आपको uh, इसकी इसको डिफाइन कर दी यहाँ पर और उसका कंसेप्ट भी आपको दे दिया अब यहाँ से फर्दर uh, जो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो नीजा और चैबर था वो ही वॉज बिलीविंग दैट कि ये जो साइंटिफिक प्रैक्टिकल अप्रोच जो उन्होंने um, जो यूज़ किया लिंग्विस्टिक का इस्तेमाल किया समेंटिक का प्रेगमेटिक्स का नॉम चोम्स का मॉडल को इस्तेमाल करके इसका एडवांटेज है एज कम्पेयर टू द अदर मेथड वो कौन सा अदर मेथड था जिसमें वो क्या करते थे एक कंप्रीहेंसिव लिस्ट प्रिपेयर करते थे स्पेसिफिक पेयर्स की सोर्स uh, लैंग्वेज के और टारगेट लैंग्वेज के तो उससे ये बेटर और एडवांटेज uh, है इस सिस्टम को जो कि साइंस ऑफ ट्रांसलेशन दियरी उसने पेश की सो दीज आर द सम थिंग्स और इसको अंडरस्टैंड तभी किया जा सकता है नोम चोमसी के भी कॉन्सेप्ट uh, को अपने जेन में रखें और uh, सा सेमेंटिक और प्रगमेटिक्स वगैरह को भी सेमेंटिक में तो आपको पता है कि वर्ड्स का रिलेशन relation, आपसी रिलेशनशिप को देखा जाता है और प्रगमेटिक्स के अंदर अको uh, भी इसमें ऐड uh, कर दिया जाता है अब वो कहता है करन, जो करने सेंटेंसेस आ रहे होते हैं ना जो बेसिक जो एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर होते हैं जो सेंटेंस के वो बेसिकली हमें ऑप्टेन होते हैं सोर्स टेक्स्ट के जब तक आप सोर्स टेक्स्ट को ना जैसे थ्री स्टेज सिस्टम उसने बताया हुआ था कि आप सरफेस स्ट्रक्चर को आपने रीड करना है एनालाइज करना है ठीक है किसके थ्रू डीप स्ट्रक्चर के थ्रू तो क्या होता है कि आप जो करने सेंटेंसेस हैं ये कर्नल रूल्स जो होते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस से के अपटेन करते हैं सोर्स टेक्स्ट के स्ट्रक्चर से और फिर हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कर रहे होते हैं रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस दोबारा से रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं और उस सारे जो जो कर्नल सेंटेंसेस के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनको बैक ट्रांसफेशन बैक जो ट्रांसफॉर्मेशन मैथड है उसके थ्रू अब जो बैक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जैसे मैंने आपको बताया कि हम समटाइम एक्टिवस uh, को पेस्टिवस में कन्वर्ट करते हैं तो हमने जब कर्नल uh, को अपटेन करना है तो हमने सोर्स टेक्स के सरफेस स्ट्रक्चर को देखना है बाय द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ बैक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जैसे मैंने कहा स्नेक uh, uh, जैसे इज किल्ड बाय हिम तो आप उसको दोबारा कन्वर्ट कर दोगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में ही uh, इज Uh, he kills the snake. तो ये ऐसा जिसमें बैक uh, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ठीक है फिर उसके बाद द लास्ट वन है उसने कहा कि जो टी जी जी है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर है उसने उसने मजीद फोर फंक्शनल क्लासेस में डिवाइड किया ठीक है और इन चारों के नेम है इवेंट्स हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स आते हैं ऑबस्टिक है और रिलेशनल है इवेंट्स में वो कहता है हमेशा हमीश, नहीं आप कह सकते लेकिन मोस्ट ऑफन जो वर्ब होता है जो कि शोज़ कर रहा है एक्शन को रन है पॉल है थिंक एंड ग्रो है ठीक है इसी तरह ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है तो कहता है कि ऑफन जो होता है नाउन होता है जैसे मैन है माउंटेन है टेबल चेयर ठीक है किसी का नेम हो सकता है तो ये सारे जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स में आ, आ, आ जाते हैं लेकिन ज़रूरी है हमेशा ये नाउन हो एपस्टिक की जब बात कर रहा है ये क्वालिटी क्वालिटीज़ ऑफ नाउन की बात कर रहा है एडवर्क की बात कर रहा है जैसे द कलर ऑफ कैट इज़ वाइट तो वाइट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नाउन के कलर को कैट uh, के कलर को सो so, रेड है लेंथ है स्लोली ऐसे हैं जो क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एबस्टिक क्वालिटी को एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडवर्ब की और नाउन की इसी तरीके से चौथा जो लास्ट वन है वो रिलेशनल है जिसमें आपके प्रीफिक्सेस आ जाते हैं ठीक है प्रपोजिशन इन टू ऑफ कंजंक्शन आ जाती है एंड बिकॉज का इस्तेमाल होता है तो बी वर्ब्स आते हैं जैसे इज आर एम वर्स वर्ब वर्ब ये सारे के सारे हैं फंक्शन क्लासेस में आते हैं यहां पर उसने एग्जाम्पल कोड की है जैसे विल ऑफ गॉड है ठीक है इसमें जो विल आपको पता है शो कर रि एक्शन को तो ये क्या होगा हमारा इवेंट है ऑफ जो है रिलेशनल है गॉड जो है नाउन को रिप्रेजेंट कर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर कर रहा है इसी तरह क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड है क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड है वो नाउन है ऑब्जेक्ट्स आ जाता है ऑफ जो रिलेशनल क्रिएशन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको आ, काम को एक्शन को शो कर, कुछ शो कर रहा है इसलिए इवेंट में आता है सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर साइंस ऑफ ट्रांसलेशन बाय द यूजीन नीटा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच